अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसकी लाठी उसकी भैंस के साथ, मैं हूँ रोहेल बड़ाइच। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सारा मसला ही कुर्सी का है और हमारे सियासतदानों और अवाम पर भी यही मिसाल सादिक आती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखे कैसे डंडा दिखाने की देर थी कि सब आराम से खड़े हो गए। और मैं इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ कि ये पूरे प्रोग्राम में इसी तरह खड़े रहेंगे। अब सबसे पहले मैं अपने सियासतदानों का तआरुफ करा लेता हूँ। हमारे सबसे पहले सियासतदान है जनाब सजावल भुट्टो साहेब। भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो ले दुश्मन कोई बाबा तीर बिका ले दुश्मन कोई मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू रोहेल अंकल। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने केपीके के लोगों की मर्जी के खिलाफ उनके सूबे का नाम ही बदल दिया और केएफसी रख दिया, क्या आपको बहुत ज्यादा भूख लगी थी? बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब मैं मौजूद हूँ। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो समझ लो, जान लो, इन रगों में शहीदों का खून है। जो मैं आपके साथ करूंगा भूलेंगे नहीं, कभी नहीं। अच्छा, नहीं भूलेंगे? चले ये तो वक्त बताएगा। आप ये बताएं कि आपको वजीरे आजम बनने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो शौक आपका अब कहाँ घास चरने गया है? देखिए रोहेल अंकल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसीलिए मेरे पापा ये चाहते हैं कि हम अगले 5 साल तक पाकिस्तान के अपोजिशन और हुकूमत में बैठकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जान सके, यू नो, अंडरस्टैंड कर सके। तो इसका मतलब है कि बिरयानी मिलने में अभी 5 साल और बाकी है। चले अब हम अपने दूसरे सियासतदान जो के नहायत सीनियर और तजर्बाकार हैं, उन्हें दावत देते हैं, जो है चौधरी शराफत साहेब। आप हमें ये बताएं कि आप हमेशा हॉरर मूवीज की तरह एंट्री क्यों मारते हैं? देखिए
माशाल्लाह क्या कहने। अच्छा आप ये बताएं कि आजकल कुर्सी पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? की बात निपटी हो। माशाल्लाह क्या कहने, कितने वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में बात की है, कितनी समझदारी की बात की है। जिन जिन को इनकी बात की समझ नहीं आई उन्हें चाहिए वो अपनी समझदारी का इलाज करवाए। अब हम अपने अगले सियासतदान की तरफ जो है लंदन के मरीज जनाब जहाज शरीफ साहिब को दावत देते हैं। आप ये बताएं कि लंदन में आपका इलाज किस स्टेज तक पहुंचा है? मेरा मतलब ये कि आप इतने सालों बाद लंदन से यहाँ तशरीफ लाए हैं तो आपका और अवाम का रिश्ता कैसा है? कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। वो मेरे तरफ देखे तो मैं उन्हें सलाम करूं। आज कई सालों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आप सबसे मेरे प्यार का रिश्ता कायम और दायम है। अब आप देखेंगे कि मेरे आवाज से प्यार का रिश्ता कितना मजबूत है। नौजवानों सुनो सुनो, डू यू लव मी? इफ यू लव मी टेल मी, टेल मी डू यू लव मी? If you love me, then I love you too. वाह, इतना प्यार के जो संभाला ही नहीं जा रहा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि कामरान खान साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ नहीं ला सकते, तो हमने उनकी नुमाइंदगी के लिए उनके वकील को यानी दलेर अफजल मरवत साहब को दावत दी है। आप हमें ये बताएं कि आपके मुर्शिद को जेल में कोई तकलीफ तो नहीं है? Thank you.
अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। रॉयल वराइट साहब, आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जेल में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, देखो वराइट, मेरी जरूरियात बहुत थोड़ी है। तीन डायरेक्टर वाकर, 10 मरले की छोटी सी जेल दी, जैसे 6 बाई आपके पासी वाले मुजरिम को दी जाती है। अच्छा, हमने ये सुना है कि आपको मुशक्कती एक्सरसाइजेज मशीन भी दी गई है। काले कलूटे बदबूदार मुशक्कती है, साइकिल दी थी एक्सरसाइज के नाम पर, लेकिन उससे भी दिल लौट गया है जब से क्यूएफ ने धोखा दिया। अच्छा, क्या आप अपनी आवाम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी जी, हम आम आपको लेटर लिख रहे हैं, हम जीत गए इलेक्शन और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नौजवानों दोस्तों, तुम्हारा वक्त है, तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। प्रोग्राम तो बढ़ गया, चलो हम अब क्या करें। प्रोग्राम किधर जाएगा, प्रोग्राम तो बढ़ गया, अब हम भी चलते हैं। इसका मतलब है कि बिरयानी घर में ही खानी पड़ेगी। सुना